ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जहां चुनाव में MIM और वंचित बहुजन अघाड़ी का गठबंधन था, मगर वो गठबंधन अब टूट चुका है। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM और बाला साहब प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अब अलग अलग ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। अब तक एक दूसरे के साथ चलने की बात करने वाले ये दोनों पार्टियां सिर्फ इसलिए गठबंधन तोड़ दी कि सीट बंटवारे को लेकर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी अपना रंग बदल रहे हैं। दरअसल 288 सीटों में सिर्फ 8 सीट MIM को प्रकाश अंबेडकर दे रहे थे, जिसके लिए कई बार MIM पार्टी के नेता डॉक्टर गफ्फार कादरी ने बैठक भी की, मगर 5 सितंबर को आखिरी बैठक हुई, मगर वंचित बहुजन के बाला साहब प्रकाश अंबेडकर MIM को सिर्फ 8 सीट देने पर राजी थे। साथ ही बाला साहब अंबेडकर ने असदुद्दीन ओवैसी को ईमेल भेजकर ये जानकारी दी कि MIM को सिर्फ 8 सीट चुनाव लड़ने के लिए दी जाएगी। जिसके बाद MIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के फैसले के बाद आखिरकार MIM और वंचित का गठबंधन टूट गया। आपको बता दें कि MIM के औरंगाबाद नगर निगम में 26 नगर सेवक हैं। MIM ने 2014 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 24 सीटों पर लड़ी थी। औरंगाबाद और भाईखल्ला में 2 विधायक और करीब 150 नगर सेवक और पार्षद भी चुनकर MIM में आए थे। आपको बता दें कि इस सीट बंटवारे को लेकर करीब 2 महीने से चर्चा चल रही थी। आखिरकार इम्तियाज जलील ने प्रेस नोट जारी कर सीट बंटवारे पर दोनों पार्टियों में सहमति नहीं बन पाई और गठबंधन तोड़ दिया गया, इसकी जानकारी दी। बहरहाल अभी से ही चुनावी वार देखने को मिल रही है, कहीं सीट बंटवारे को लेकर तो कहीं पार्टी में प्रवेश को लेकर। यानी देखा जाए तो एक तरह से चुनावी दंगल और विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हो गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।